एक औरत बहुत महंगे कपड़ों में अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्या आप खुशियां ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां साफ सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इनसे आपको ये बताने के लिए कहूंगा कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में खुशियां ढूंढी। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें ध्यान से सुने। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा, कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था, मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना तक बंद कर दिया था, मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। तब एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया जब मैं काम से घर आ रही थी। बाहर बहुत ठंड थी इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह सारी प्लेट सफा चट कर गया। फिर वह मेरे पैरों से लिपट गया और चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी के लिए, जो कि बीमार था, कुछ बिस्किट्स बनाकर ले गई। हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियां ढूंढी है दूसरों को खुशी देकर। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। चलिए जानते हैं आखिर मुस्कुराहट का महत्व क्या है। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिएगा सब बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। अगर आप एक गृहिणी है तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया है तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसिए, देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखना सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप दुकानदार है और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर हर बार आपकी दुकान से ही सामान लेगा। कभी सड़क पर चलते हुए किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराइए, देखना उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए क्योंकि ये मनुष्य होने की पहचान है, इसलिए स्वयं भी मुस्कुराए और औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाइए।